हाय दोस्तों, मेरा नाम है संजू और आप देख रहे हो म्यूजिक फिल्म और ज्ञान। म्यूजिक फिल्म और ज्ञान, म्यूजिक फिल्म और ज्ञान, म्यूजिक फिल्म और ज्ञान। सरकार ने किया आर्थिक महा पैकेज का ऐलान। इससे पहले वित्त मंत्री ने गुरुवार को 1.70 लाख करोड़ के आर्थिक महा पैकेज का ऐलान किया था। कोरोना संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस मुद्दे पर सरकार की नज़र है। सरकार गरीबों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लिहाजा सरकार गरीबों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने जा रही है। यह पैसा गरीबों के सीधे अकाउंट में भेजा जाएगा। किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने देंगे। हर गरीब को अगले 3 महीनों तक 50 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त में मिलेगा। यानी प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। ये PDS के तहत मिलने वाले राशन से अतिरिक्त सुविधा होगी। इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों जैसे योद्धाओं का बीमा 50 लाख का होगा। इस तरह 20 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी बीमा कवर दिया जाएगा। क्या है ये पैकेज? पैकेज का बड़ा हिस्सा गरीबों के अकाउंट योजना के तहत में सीधा जमा किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, नर्स, पैरामेडिकल वालों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा भी होगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक करीब 20 लाख लोग इस बीमा के फायदे के दायरे में आएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोग आएंगे। 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल के ऊपर अगले 3 महीने के लिए सभी को फ्री दिया जाएगा। हर एक घर को 1 किलो दाल दी जाएगी। किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिल रहा है, उन्हें तुरंत 2,000 रुपये दिए जाएंगे। 8.70 करोड़ किसान इसका फ़ायदा ले सकेंगे। मनरेगा में मजदूरी बढ़ाई गई है, अब 182 रुपये से बढ़कर 202 रुपये कर दिया गया है। करीब 5 करोड़ लोग को इसका फ़ायदा सीधा सीधा मिलेगा। बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा को 1,000 रुपये अलग से मिलेगा। करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अगले 3 महीने तक 20 करोड़ महिलाओं को जनधन खाते के माध्यम से 500 रुपये हर महीने मिलेंगे। 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस मिल चुकी है, अगले 3 महीने उन्हें मुफ्त में रसोई गैस मिलेगी। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप 63 लाख है देश में, उन्हें अब 10 लाख का लोन और मिलेगा। यानी अब वो कुल 20 लाख का लोन ले सकती है। 7 करोड़ परिवार को इसका फ़ायदा होगा। PF वालों के लिए सरकार एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का हिस्सा खुद जमा करेगी। 12% के हिसाब से 24% होगा। अगले 3 महीने सरकार भरेगी। PF वाली इस योजना का फ़ायदा केवल उनको मिलेगा जहां 100 से कम एम्प्लॉय वाली कंपनी है और 90% एम्प्लॉय की 15,000 रुपये से कम सैलरी होगी। 4 लाख कंपनियां इसके दायरे में आएगी। कर्मचारी 75% EPF पैसा निकाल सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो राज्य सरकारों के पास है, इसका उपयोग करने की सलाह केंद्र ने राज्य को दी है। कोरोना से लड़ने के लिए हेल्थ पर खर्च करने की सलाह दी है। सरकार के मुताबिक यह पैकेज में बताई गई घोषणा 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारा मकसद गरीब तक पहुंचाना है, इसलिए होम लोन में रखे ग्राहकों के लिए कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। वही पैकेज को पहुंचाने के लिए बैंक काम करते रहेंगे।